नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर शिव मंदिर में नंदी के दूध पीने की अफवाह उड़ रही है। जिले भर में शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग घर से गाय का दूध और गंगा जल लेकर पहुंच रहे हैं मंदिर। नंदी को दूध पिलाने वाले श्रद्धालु की लंबी कतारें लगी हुई है। नंदी के दूध पीने को लोग चमत्कार मान रहे हैं। देवरिया में कई शिव मंदिर पर नंद गोपाल जी का चम्मच से दूध पानी पीते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई है। इसी पड़ताल में प्राइम टीवी ने की है, लेकिन ये बात समझ से परे था कि ये चमत्कार है या अंधविश्वास। कई लोग भगवान शिव के नंद गोपाल को दूध चम्मच से पिला रहे हैं, पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं और चम्मच में पानी और दूध गायब होते नजर आ रहे हैं। यह श्रद्धालु के लिए एक चमत्कार माना जा रहा है। लोग जाकर चम्मच से दूध पिलाते हुए नजर आए। मानो या ना मानो, देवरिया में एक नंद गोपाल जी चम्मच से लोग दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यह हकीकत मानिए या ना मानिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ रुद्रपुर पचलड़ी में और देवरिया के कई स्थानों में नंद गोपाल जी दूध पिलाते लोग चम्मच से नजर आ रहे हैं। और एक यहाँ माता जी हैं, देखिए आप कैसे चम्मच से दूध पिला रही हैं और नंद गोपाल जी के मुँह में वह पानी चला जा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पानी ऑटोमेटिक उनके मुंह में चला जा रहा है और यह आस्था का केंद्र लोग यहां मान रहे हैं और श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रह रही हैं। गोरखपुर में चारों तरफ गणेश भगवान और नंदी का चमत्कार दिख रहा है। गणेश भगवान मंदिर में दूध पीते नजर आ रहे हैं, तो कहीं नंदी महाराज दूध और जल पीते नजर आ रहे हैं। कैंपियरगंज में भगवान गणेश जी का दूध पीते नजर आए, तो वहीं सहजनवा के पिपरौली बाजार में शिव मंदिर में नंदी महाराज दूध पीते नजर आए। ग्राम पंचायत नंदापार में इंदल गुप्ता के घर के सामने शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ की नंदी साक्षात जल ग्रहण करती नजर आई। खबर अलीगढ़ से है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद बच्ची की पूरी तरह से हत्या कर दी गई, जिस पर शव घर में चंद कदमों की दूरी पर ही संदिग्ध अवस्था में मिला। शव मिलते ही परिजनों के पैरों के से जमीन खिसक गई। वहीं दूसरी ओर मृतिका की बहन ने पड़ोस के युवक पर आरोप लगाया, जिसको लेकर पुलिस उस मामले की जाँच पड़ताल करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। कहाँ ले गया, मम्मी के मामा ने छींक दिलाई थी क्या, और उधर ले गया बच्ची की तरफ। मैं उस लड़के को ढूंढने लग गई, मैंने कहा भैया मेरी लड़की कहाँ है, तो लड़का खुद मेरे संग गया ढूंढवाने के लिए। और वहाँ फिर मैंने मेरे भाई को भेजा था बच्ची की, मैं मेरे तीनों भाई को भेजे मैंने, मैंने कहा भैया तुम बच्ची की तरफ देख के आओ, मोहल्ले में तो लड़की है नहीं। तो मेरा भाई गए वहाँ तीनों, तो वहाँ पर लड़की पाई गई। वो मेरे बाबूजी मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए बाबूजी। किसके साथ गई थी, कोई मालूम है कुछ? उसके मनोज के साथ गई थी बाबूजी, मेरी लड़की मनोज के साथ। मनोज कौन है ये? मनोज जवाहरलाल का लड़का है बाबूजी। वो बच्चे और दूसरे चले गए घर, हम पे हम आलू से आए, जब देखा बाली करी हमें, हमने तो ये मिली नहीं लड़की हमको, बहुत देर से ढूंढ रहे, 6 बजे से सब टिक डाला नहीं मिली जे, तो फिर बच्चे ही आए इधर भाग के, जब बच्चों ने पता लगाया कि इधर ले गया तो जब आए, वो बच्चों ने बताया कि इधर ले गया तो जब आए हम भाग के। 20 वर्षीय परिचित मुंह बोले मामा द्वारा हत्या करने की सूचना पर अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मोतीनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मोतीनगर पुलिस चौकी पर पहुंची मोतीनगर गोविंदपुरी नेशनल हाईवे पर नकाबपोश लुटेरों ने हार्डवेयर की दुकान पर तमंचे के बल पर 30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। यह पूरा मामला दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच
कर मामले की जांच में जुट गई है। और तीन बदमाश पिस्टल और तमंचे के साथ दुकान के अंदर घुस आए और उन्होंने मेरे साथ लूट और मारपीट कर ली। क्या क्या ले गए? वो मेरा सारा कैश ले गए। लगभग कितना कैश? 25-30 हज़ार भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे गले का आज का पता नहीं कितना था और जो मेरी जेब का था वो सारा ले गए। किस चीज़ पर आए थे बदमाश? भाई वहाँ उन्होंने दुकान से कुछ दूर पे बाइक थी और बाकी का मैं पता नहीं सर कैसा है। बाइक तो थी उनके पास। कितने समय की घटना है ये? 7:17 की घटना है। क्या कोई धमकी वगैरह भी देखे गए? हाँ, उन्होंने सीधी धमकी, जो किसी को कुछ कहा तो गोली मार देंगे। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई? हाँ जी, 112 पर कॉल करी गई थी। काफ़ी देर बाद फोन लगा था, फिर मौके पर पुलिस आई है, उन्होंने अपनी तस्दीक करी। रायबरेली में बाइक सवार दंपति ट्रैक्टर की चपेट में आ गए। ट्रैक्टर में पत्नी की मौत मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ये मामला हरचंदपुर थाना इलाके के दतौली का है, जहां पर युवक अपनी पत्नी फरीदा के साथ रायबरेली जा रहा था। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। हाँ, एक लड़का है 28 साल का मोबिन और उसकी वाइफ है फरीदा 24 साल की। तो वाइफ तो ब्रॉडेड आई हुई थी और जो लड़का है उसको भी गंभीर चोट है, यहाँ फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया है, अर्जेंट सर्जन कॉल की गई है। तो रिफर किया गया? हमने तो एडमिट किया है, अर्जेंट सर्जन कॉल की है। खबर फतेहपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्पिटल परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने से सारी गाड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। फरीदाबाद के संत कबीर नगर में मकान को जैक से उठाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मकान का लिंटर गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। तो वहीं दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और मृतक मजदूर को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला क्या है? सारा सीरन की वजह से है मामला। गलियों में पानी भरा हुआ है। हाँ। पार्षद को बोलते हैं वो नहीं सुनता, नरेंद्र गुप्ता जी को बोलते हैं वो नहीं सुनते। गरिमा में क्या हुआ था यहाँ पर? क्या हुआ था यहाँ पर? अभी लेंटर का वो मकान जय उठाने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो लेंट पानी गली में भरा हुआ है, नाली में। वो नाली का पानी भरने से दीवार नीचे बैठी है और दीवार नीचे बैठने से दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या हुआ था? मतलब मिस्त्री और बेलदार काम कर रहे थे, वो बेचारे दब गए। तो किसी की मौत हुई? किसी की? एक जने की मौत। कौन था वो? कुछ नाम होगा? एक मजदूर बाहर था जो इनको तसला वगैरह पकड़ा रहा था और वो उस टाइम वो ठीक है, और एक अंदर था, उसके चोट लगी है, वो घायल है। और ये जो है छज्जा गिरने की वजह से दब के मर चुके हैं, छज्जा इनके ऊपर गिर चुका था। कितने मजदूर काम कर रहे थे वहाँ पे? 3 मजदूर थे टोटल। कहाँ की घटना ये? संत नगर ओल्ड फरीदाबाद। तो क्या पुलिस नहीं आई है? पुलिस आ गई है, सब चीज़ हो गई है, इनका अभी पोस्टमार्टम करवाना बाकी है। तो क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये लापरवाही जी, जो घर बनवा रहा था, जो घर का मालिक था, उसकी लापरवाही है। तो किस कारण से छज्जा गिराया है? कोई छज्जा जैक की वजह से गिरा है, क्योंकि जैक अगर वो ठीक तरीके से लगाते तो आज ये संभावना ना घटती। इसकी अभी आधा घंटा पहले सूचना मिली थी हमें, एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उन पर चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया QRG हॉस्पिटल के लिए। एक का चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी QRG हॉस्पिटल दे। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर? इसके अंदर 3 मजदूर, 2 मिस्त्री 2 मजदूर। तो अभी किसी की कोई ऐसी कुछ सूचना है? कोई नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी देखते हैं। एक सीरियस है, उसका नहीं। सर, मकान मालिक कौन है? मौके पर है मकान मालिक? नहीं है, नहीं, वो उसके साथ ही गया हुआ है। डॉक्टर अतुल का मकान है दुकान। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।